125 रुपीज़ के अंदर सॉफ्ट बॉक्स कैसे बना सकते हैं, जो आपको आप देख सकते हैं कि लाइटनिंग कंडीशन है इस वीडियो का वो काफ़ी अच्छा है। तो मैंने सिर्फ इसमें 125 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है और एक अच्छा सा सॉफ्ट बॉक्स बनाया है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपको पता चल जाएगा कि कैसे मैंने सॉफ्ट बॉक्स बनाया है। तो ये रहा एक सॉफ्ट बॉक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं ये सॉफ्ट बॉक्स मैंने सिर्फ 125 रुपीज़ में बनाया है और इसका। हे गाइस, व्हाट्सअप है, मैं अर्षद गोपाल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सॉफ्ट बॉक्स 125 रुपीज़ के अंदर कैसे बना सकते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। ओके, तो आपको सबसे पहले ट्रायंगल शेप का ऐसे चार काटना है। कार्डबोर्ड वो अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए आप एक पेंसिल ले लीजिए और एक कटर ले लीजिए और ऐसा शेप का आप इसे काट लीजिए। फिर यही इसी को रख के तीन और काटिए। ओके, सो काफ़ी इजी है, बस आपका जो कार्डबोर्ड का क्वालिटी है वो अच्छा रहना चाहिए। तो मैंने दो काट चुका हूँ, अब ये देख सकते हैं, अब एक और मैं काट रहा हूँ। ओके, सो इसे मैं जल्दी से कट कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने तीन कट कर चुका है। अब ये नेक्स्ट कट करने के लिए इसको थोड़ा निकाल लेता हूँ। ओके, सो फिर वही सेम साइज़ का इसमें भी मैंने डायग्राम बना चुका है, उसको भी कट कर लेता हूँ। ओके, सो वो कट हो गया। अब सिंपल आपको इस सबको जोड़ना है, टेप से इसको मैं बारी बारी जोड़ता हूँ। याद रखे, बीच बीच में जो गेप है उसको बाद में करेंगे, पहले जो मेन है एक इसको बॉन्ड, पहले इसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। ओके, सो सबको मैं एकदम अच्छे से चिपकाइए, फिर ये वाला साइड को चिपकाइए। फिर इसको चिपकाइए। ओके, अब ये चारों तरफ से चिपक चुका है। उसके बाद देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर लूज़ है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर है वो अच्छे से बन चुका है। अब आपको इसमें बहुत सारा टेप यूज़ करना है। देख सकते हैं, आपको टेप ऊपर से लेकर नीचे तक लगाना है ताकि जो लाइट है वो बाहर यहाँ से मत निकले, सिर्फ उसी के अंदर रहे। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ब्लैक टेप यूज़ करिए। ओके, इस साइड भी लगा देता हूँ। ये लास्ट साइड है, इसमें भी मैं लगा देता हूँ जल्दी से टेप। ओके, सो टेप लगाते टाइम याद रखें कि यह जो लगाएं जिसे आप शेप दिए वो इधर उधर ना हो और प्रॉपरली लगा हो। ओके, सो बस अब ये कंप्लीट होने वाला है। कंप्लीट होने के बाद इसे एक अच्छे से फिनिशिंग दे दीजिए। हो चुका है ये पूरी तरीके से, अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा मजबूत हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसे कट करने के बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओके, जो बीच बीच का यहाँ पर का जो बचा है वो सबको आप नॉर्मली टेप से ठीक कर लीजिए। उसके बाद सिंपल आपको एक बड़ा सा कार्डबोर्ड लेना है। ओके, सो बड़ा सा कार्डबोर्ड कुछ इस तरीके का, और इसको ऊपर इसमें रख लीजिए। अब उसी के नाप का आपको इसे काटना है। ओके, जैसे कि मैं रख दिया, अब इसी के नाप का आपको काट के ऐसे बना लेना और होल करके एक अंदर से होल्डर जा सके ऐसा बनाना है। ठीक, तो इसे आप सिंपल ऐसा बना के इसमें टेप लगा दीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ट्रांसपेरेंट टेप यूज़ कीजिए। ट्रांसपेरेंट टेप आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। ये परचेस होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा पूरा, आप इसे लगा लेंगे तो। और यहाँ पर नीचे मैंने ब्लैक टेप लगाया ताकि आपको ये अच्छे से इसको बेस मिल जाए। ओके, सो अब ये पूरी तरीके से बन चुका है।
तो आप देख सकते हैं कुछ दिखने में ऐसा लगेगा। अब आपको सिंपल अंदर में लाइट लगाना है। लाइट लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपका 100 रुपीज़ लगेगा लाइट में और 50 रुपीज़ टेप और इस कार्डबोर्ड में। कार्डबोर्ड को आप कहीं से भी मिल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 150 रुपीज़ में सॉफ्ट बॉक्स बना लिया। अगर ये वीडियो को पसंद है तो लाइक करें। एंड आई एम अर्शद गोपाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ।